ज्यादातर यूट्यूबर सिर्फ हकते हैं कानों में, मैं फेक रिएक्शन नहीं दूंगा, सारे ने पैसा नहीं दिया मेरे को। ले मान गया गुरु, मान गया एकदम। ये जो इस गाने का पहले ऑडियो था वो भी काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन अभी ये जो रीमेक फिर से तूने किया ये और ज्यादा मस्त है ब्रदर। व्हाट अ सॉन्ग यार। और जस्ट अभी मैं वीडियो देख के बैठा हूँ, इतना बढ़िया गाना, उससे भी ऊपर उसकी म्यूजिक वीडियो। हेलो जी, मैं पिछले एक साल से मेरी नई एल्बम जॉर्डन और हीर की हाइप बना रहा था, तो लोग पूछते थे कि भाई कब आएगा, जबरदस्ती की हाइप बना रहा है। तो उसका पहला गाना जिसका नाम भी जॉर्डन और हीर है, उसका म्यूजिक वीडियो गाना आ चुका है भाई हमारे म्यूजिक चैनल पे। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं तुमको बताऊंगा थोड़ी अपनी ब्रेकअप स्टोरी, बिहाइंड द सीन, और जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने इस गाने के ऊपर टिप्पणी की है, उन लोगों को हम लोग रिप्लाई भी देंगे। देखते हैं कि क्या बोलते हैं ये लोग मेरे गाने के बारे में। ओके गाइस, तो क्रेजी थी भाई का सॉन्ग जॉर्डन और हीर, अर्ली एक्सेस मिल चुका है तुम्हारे भाई को। देख ऑनेस्ट रिएक्शन, ऑनेस्ट ओपिनियन आ जाओ। तो मैंने केस्टू भाई की, मेरे को रिएक्शंस बहुत पसंद है, पहले इनकी गेमिंग वीडियो भी बहुत पसंद थी, तो मैंने इनको भेजा था कि मजा है। तो इन मेरे को कॉल पे बोलता है भाई, आदित्य नाम है इनका, आदित्य भाई बोलते हैं कि अब मैं गंदा लगेगा बोल दूंगा फिर वीडियो में नहीं डाल। मैंने कहा भाई तेरा जो ऑनेस्ट ओपिनियन है तू वो दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ने एक्चुअली रिएक्शन वीडियो बना के दिया मुझे पूरा, और मैंने अभी देखूंगा मैं इसको तुम्हारे सामने लाइव। अब मेरे को देखना है कि क्या बुराई की इनने। तो क्योंकि गाना रिवील हो गया है और मेरे को इस चैनल पे दिखाना नहीं है, तो मैं थोड़े थोड़े पार्ट कट कर दूंगा। छोटी छोटी बातों पर ओके ओके लड़ना चाहती है ओके सच ही बता देना कि अब मुझे छोड़ना चाहती है। भाई ये लाइन, मैं गाना रोक रहा हूँ, सॉरी भाई, ये लाइन समझ गया मैं, ये लाइन काफी डीप है, कड़ा है, केस टू भाई का भी समझ सकता हूँ मैं भी। इस दिल के पिंजरे को तोड़ कर ओके तोड़ जा, कैसे थे पापा। थैंक यू भाई कैश टू बंदे की जब तुम रिएक्शन वीडियो देखोगे भाई, जो एनर्जी तुम्हें मिलेगी ना भाई, इतनी ही तो एनर्जी जिस बंदे पे वो रिएक्ट कर रहा उसकी भी नहीं होती। बूम, ना मां की कसम मैं फेक रिएक्शन देता ही नहीं तुम्हारी भैंस का लगना, मां बढ़िया गा रहा है भाई। भाई मम्मी कसम खाली अगले ने, अब झूठी चीज चली नहीं रही, गाना सबको पसंद आ रहा है, तो शेयर करना। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मेरे को लगा था क्रेजी रोस्ट वीडियो बनाता है, कहां गाना बना रहे, क्योंकि ज्यादातर यूट्यूबर गोबर करते हैं गाने में। लेट मी बी ऑनेस्ट, आई विल बी ऑनेस्ट, ज्यादातर यूट्यूबर सिर्फ हकते हैं गानों में, लेकिन भाई एक मिनट सुना मजा आ रहा है भाई, मैं फेक रिएक्शन नहीं दूंगा, सारे ने पैसा नहीं दिया मेरे को। लेके भाई कैश टू भाई ये बोलने के बाद स्पॉन्सर्ड, अगली वीडियो स्पॉन्सर्ड, मजा आ रहा है भाई। ठीक है, क्या पता है लिरिक्स की वजह से, आई डोंट नो, इट्स गुड। कैसे भूल जाऊं उन बात को, सोते साथ में थे हम रात को साथ सोता साले, मजाक कर रहा हूं। नाक के पास रखो माइक को, एहसास लूंगी जैसे साथ हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, एक्चुअली लॉन्ग डिस्टेंस स्टोरी थी, तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस में तुम लोगों ने कभी ट्राई किया हो या नहीं किया हो, मैंने तो किया भाई, वो मेरा निब्बा निब्बी फेस में, कि मैं जब सो रहा हूँ तो मैं ईयरफोन के अंदर कॉल चालू रखे सोता था, ताकि जब वो सांसें ले तो मेरे को फील हो कि वो कॉल पे है। तो मैंने इसी कॉन्टेक्स्ट में लाइनें लिखी थी कि केंदी नाक के पास रखो माइक को, एहसास लूंगी जैसे साथ हो। थैंक यू यार कैश टू भाई, थैंक यू सो मच यार, मतलब इतनी मेहनत मैंने नहीं सोची थी कि इतनी मेहनत करके हमें पूरा रिएक्शन मिलेगा, लेकिन भाई ने रिएक्शन इतना प्यारा दिया है और मजा आ गया भाई। ये चीज शायद तुम सभी के दिमाग में आ रही होगी कि भाई मैं इतनी हाइप क्यों क्रिएट कर रहा हूँ इस सॉन्ग की। इसका रीजन ये कि यार ये स्टोरी जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये मेरे लिए मेरे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये गाना भी। ठीक है, गाना मैंने शुरू किया था भाई कंप्लीट करना इसको 2020 अक्टूबर 24 को, जब मेरा ब्रेकअप हो गया था। ठीक है, उसके बाद फिर इस गाने को मैंने मेरे जाने के बाद नाम से इसी चैनल पे 28 दिसंबर को डाला था, और 30 दिसंबर को लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी उस बंदी से। ठीक है, और 30 दिसंबर के बाद कभी बात हुई नहीं, क्योंकि अब वो है ही नहीं इस दुनिया में। तो जब मैंने पहले इस गाने को निकाला था, ठीक है, उसके दो दिन बाद मेरे को उसका कॉल आया था, हमारी लास्ट टाइम जब बात हुई थी। ये मेरे जाने के बाद जो गाना मेरे चैनल पे, इसको रिक्रिएट किया है मैंने जॉर्डन और हीर नाम से। अभी उसका रीजन ये है कि अब मैं ये पूरी एल्बम बनाना चाहता हूँ उन सारे गानों पर जो मैंने लिखे थे। ठीक है, एक पूरी स्टोरी टेलिंग डेढ़ घंटे का शो है,
ये सब उसका पार्ट है। बट जब मैंने फर्स्ट टाइम इस गाने को शूट किया था, तो मैंने शूट किया था इसको उज्जैन में, ऐसे ही नॉर्मल। उस टाइम पे पैसे वैसे थे नहीं, ज्यादा फॉलोवर थे नहीं, तो उस टाइम पे मैं उज्जैन में गया था अपने दोस्तों के साथ। एक कैमरामैन लेके गए हम और एक मॉडल थी हमारे साथ जानवी नाम से। तो हमने ये जब शूट किया तो हमने नॉर्मली कुछ जगह शूट किया और हम एक मस्त 5-स्टार होटल के आगे शूट करना चाहते थे ताकि वीडियो अच्छी बन जाए। तो वहां से भाई जब मैं शूट कर रहा था उसके साथ, तो उन्होंने मेरे को भगा दिया था। तो उस टाइम पे फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है यार, हम फिर आगे एको पार्क एक उज्जैन में हम वहाँ पे शूट करके आ गए। तो तब से मेरे माइंड में था कि यार ये पैसा होता ना ऐसे तो इस बंदे को मैं देता और ये शूट करने देता अच्छे से, और क्या मस्त वीडियो बनती। ऑब्वियसली मेरे को यूट्यूब की स्टार्टिंग में, मतलब मेरे को करियर यूट्यूब एज अ सिंगर स्टार्ट करना था, बट फिर कुछ बीटी हुई वो हुआ नहीं। फिर हम गेमिंग में गए, गेमिंग से रोस्टिंग में गए, बट ये गाना तब से है मेरे पास, है ना, और मेरे को करना था ये अच्छी स्केल पे करना था। फिर 3 साल बाद दिसंबर 30 को ही 2023 में, पिछले साल, मैंने इसको ना फिर से बड़ी स्केल पे शूट किया था। अब तुम लोग ये सोचो कि भाई मैं जब यूट्यूब पे आया हूँ ना, तो मैं वो सब ले के नहीं आया हूँ, ऐसी रिच फैमिली, बढ़िया बढ़िया पीसी वीसी, अपन ने जो भी किया खुद से किया। तो जब मैंने पहली बार प्रोडक्शन पे काम किया था, तो यार अपने लिए तो प्राउड वाली बात है ना, ठीक है। और स्पेशली वो गाना जो तुम्हारा पहला सॉन्ग है, तुम्हारे दिल के इतने करीब है, तुम्हें बहुत कुछ दिया है उस गाने ने देखा जाए तो। तो फिर वो मेरे को ऐसे निकालना था, तो अब इसलिए ये जो गाना है अभी जिसका नाम जॉर्डन और हीरे, ये मेरे बहुत दिल के बहुत करीब है, ठीक है। ये स्टोरी है कि क्यों मेरे लिए ये गाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ स्टोरी की, गाना ये म्यूजिक वीडियो मेरे लिए ज़रूरी क्यों है, ठीक है। अब भाई तुमको गाना पसंद आए, म्यूजिक वीडियो पसंद आए, ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन ये डालना, ये बना पाना, 3 साल के अंदर इस लायक बनना कि खुद के प्रोडक्शन पे एक म्यूजिक वीडियो शूट कर पाऊँ, ये मेरे लिए विक्ट्री है भाई। लेकिन एक चीज जो इंडियन ऑडियंस की सबसे बड़ी गलती है ना, कि वो कभी क्रेडिट्स पे ध्यान नहीं देते कि मेरी जो फेवरेट मूवी है वो है रॉकस्टार, ठीक है, उसके अंदर रणबीर कपूर ने बहुत अच्छा काम किया। बट अगर तुम लोग सही मायने में सोचो तो जो रणबीर कपूर के जितने भी गाने हैं उसके अंदर, वो रणबीर कपूर की आवाज़ नहीं है, वो आवाज़ है मोहित चौहान की। मोहित चौहान ने वो गाने लिखे हैं, एआर रहमान ने काम किया है, जो डायरेक्ट किया है उसको वो किया है इम्तियाज़ अली ने। तो अगर मैं सारा क्रेडिट जॉर्डन को ही दे दूँ, रणबीर कपूर को ही दे दूँ, तो वो थोड़ी सी मेरी गलती होगी, है ना। तो मैं ये नहीं चाहता था कि यार जिन लोगों ने मेरे इतने बड़े प्रोजेक्ट में या मेरा एक सपना सच करने में साथ दिया है, मैं उनको पीछे छोड़ दूँ। तो मैं चाहता हूँ कि बिहाइंड द सीन में बनाऊँ इसका, मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूँ कि और कौन कौन लोग थे जो इस जर्नी में मेरे सपने को पूरे करने में मेरे साथ थे, ठीक है। बिहाइंड द सीन शुरू करने के पहले हम देखेंगे थगेश का रिएक्शन, कि थगेश भाई ने क्या बोला है गाने के बारे में। मान गया गुरु, मान गया, एकदम लोफी वाला जो फील आया है, जो बीट्स आया, एकदम मजा आ गया, एकदम चिल सॉन्ग। एंड ऑनेस्टली ऑनेस्टली अभी तक का तो तेरा बेस्ट सॉन्ग है, एंड आई होप और आते रहे और डालते रहे। एंड खर्चा जिस हिसाब से किया है, आते रहना चाहिए और ऐसा ही क्वालिटी मेंटेन रहना चाहिए। अरे यार थैंक यू यार थगेश भाई। यार मैं ऑनेस्टली तुमको बताऊंगा, ये सॉन्ग की थीम ही हमने थोड़ी लोफाई रखी है, कि भाई एक बार कार के अंदर बंदा ईयरफोन के अंदर, ट्रेन के अंदर चलते चलते बस ईयरफोन में लगा के लूप पे बजा दे भाई। तो तुम लोग भी अपने स्पॉटिफाई पे ऐड कर देना, लिंक मैं स्पॉटिफाई का भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और थगेश भाई थैंक यू यार, थैंक यू। तो जैसा कि मैंने तुम्हें डेट बताया कि 30 दिसंबर 2023 को हमने इस गाने की शूट स्टार्ट की थी। तो गाइस आज हम अनजान सड़कों पे इंदौर की हमारे बाबा जड़ी बूटी के साथ सुबह के 6 जा रहे हैं शूट पे। जिन लोगों को लगता है कि म्यूजिक वीडियो बनाना आसान है, बिल्कुल आसान है। क्या ये क्या कह रहे हो? बस सुबह उठना पड़ता है, नहाना पड़ता है, ये लोग तो आ जाते हैं भाई बासी, हमें नहाना पड़ता है भाई। खैर इसके बाद एंट्री होती है व्योम भाई की। व्योम भाई अपनी कार में हमें फर्स्ट लोकेशन तक पहुंचाते हैं और व्योम भाई ने बैक साइड बहुत मदद की हमारी। व्योम भाई जय श्री राम। फिर हम पहुंच जाते हैं फर्स्ट लोकेशन, जहाँ पे प्रणव भैया जो डीओपी थे, हिमांशु भाई जो सेकंड कैम थे, उनके साथ पूरी टीम रेडी रहती है। उसके बाद वहाँ पे एक मंदिर था, तो ऑब्वियसली हमने पूजा की, भगवान से प्रार्थना की कि भाई म्यूज़िक वीडियो अच्छे से सब सही से निपट जाए। एंड फिर हमारा ऑटो वाला जो फर्स्ट शूट था वो स्टार्ट हो गया। तो उस म्यूज़िक वीडियो के अंदर ना तुमको ऑटो वाले सीन बार बार देखने को मिलेंगे। तो उसकी स्टोरी यही है कि एक लड़का जो एक शहर में एक लड़की से बहुत प्यार करता था, जब वो लड़की उसकी ज़िंदगी में नहीं है, तो वो लड़का उस शहर से भी, उसकी यादों से भी बहुत दूर जाना चाहता है। बाय द वे अभी मैं तुमको मिलवाता हूँ हमारे डायरेक्टर, जिन्होंने अपनी लाइफ का पहला यही सॉन्ग डायरेक्ट किया है, ठीक है, योगेश भाई से। थोड़ा सा मैं नींद में उठा था, फिर सो गया, फिर वापस उठा, फिर अब आया हूँ मैं। डायरेक्टर साहब दोस्तों, अगर म्यूजिक वीडियो पसंद नहीं आया ना, तो फिर मैं हूँ, हाँ फिर मैं प्ले हूँ, लेकिन आवाज पसंद। घनघोर अपमान के बाद हाँ मैं तुम्हें मिलवाता हूँ हमारी मॉडल
अपने गाने की हीर आयुषी से। वैसे आयुषी की एक्टिंग बहुत अच्छी है, इसके साथ काम करने में बहुत मजा आया। और रिसेंटली इसकी एक रील बहुत ही पॉपुलर हुई थी इंटरनेट पे, सपना वाली, तो वही है ये। सपना के साथ म्यूजिक वीडियो बनाना अच्छी बात है, लेकिन इतना अच्छा बनाना अच्छी बात नहीं है। जैसा कि मैंने तुमको बताया था कि जो हमारी मॉडल साहिबा हैं, पिछले आई गेस 2-3 वीक पहले उनकी इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बहुत ही फटी थी, शायद तुमने वाली वीडियो देखी होगी। सपना को देखना अच्छी बात, लेकिन सपना के साथ सो जाना ये अच्छी बात नहीं है। संजोग थे भाई की म्यूजिक वीडियो भी डालनी है, उनका अकाउंट भी बढ़िया चल गया। तो बेसिकली गाना बहुत प्यारा है भाई दीप, और ये जो इस गाने का पहले ऑडियो था वो भी काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन अभी ये जो रीमेक फिर से तूने किया ये और ज्यादा मस्त है, मैंने सुन रखा है इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अभी म्यूजिक वीडियो के साथ हमने देखा है ये काफी ज्यादा मजेदार है, वीडियो प्रोडक्शन टीम ने बहुत सही काम किया है, म्यूजिक में निशेल भाई ने बहुत बढ़िया काम किया है, तो शाउट आउट टू निशेल जिसने इसका म्यूजिक वीडियो बनाया, इवन मिक्सिंग मास्टरिंग भी उन्होंने की है। पूरा प्रोजेक्ट काफी अच्छा है एंड होप करते हैं कि अच्छा वर्क करेगा, लोगों को काफी ज्यादा पसंद। अब जाके सुन लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है भैया, देख शेयर कर देना यार, ट्विटर्स को आ रहा है। और यस दोस्तों सपोर्ट करो, ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, इसके लिए एक लाइक बनता है दोस्तों। देखो भाई धीरू भाई ने बोला लाइक कर देना, ठीक है शेयर कर देना यार गाना। अब मैं तुम्हें अंशुल भाई से मिलवाता हूँ, इनकी स्माइल ऑडियंस भी चाहिए थी, तो इसलिए हमने 2-3 दिन पहले एक मीटअप अनाउंस किया था। एंड मैं बहुत एक्साइटेड था यार कि कितने लोग आएंगे, मैं नर्वस भी हो रहा था कि खराब ना हो जाए, लोग कैसे बिहेव करेंगे, मैं पहली बार गाना गाऊंगा उन लोगों के सामने। बट भगवान की कृपा से बहुत प्यारे तुम लोग जो भी आए थे, तुम लोग बहुत प्यारे थे, बहुत ही सपोर्टिव थे, एंड तुमने उस दिन रौनक ही ला दिया यार। बड़े प्यारे हो यार। बट भाई छत के कमरे से लेके यहाँ तक का सफर बहुत अच्छा रहा। दीप भाई के आगे कौन बोल सकता है? दीप भाई मेरी किस्मत तू नहीं दो इन हाथों को चीर, मैं जॉर्डन हूँ तेरा और तू मेरी हीर, है तेरी कसम तो फिर जा रहा, पर तू बुलाएगी दौड़ा चलाऊंगा हीर। ब्रदर व्हाट अ सॉन्ग यार, थैंक यू यार फुगरा भाई। बाय द वे भाई तुम मेरे 3 भी बहुत जल्दी आने वाले, प्यारा है बहुत प्यारा, जल्दी इसको रिलीज करो। और मैं तो वीडियो भी देख ली और क्रेजी वीडियो है, आई थिंक दिस इज वन ऑफ योर बेस्ट, करो इसको रिलीज। जिन लोगों को नहीं पता, मैंने इन दोस्तों को, यूट्यूबर दोस्तों को मैंने ये पहले ही भेज दिया था, 1-2 दिन पहले ही भेज दिया था, तो बढ़िया है भाई, फुगरा भाई को ही पसंद आ गया, अच्छी बात है। जॉर्डन और हीर फाइनली क्रेजी डीप वो कर रहा है जो पिछले 1-1.5 साल से हमें फोन पे बता रहा था, मतलब हर बार जब भी मिलता तब बताता था, जब भी फोन पे बात होती तब बताता था, तो मैं वेट कर रहा था भाई कि एग्जीक्यूट कब करेगा। और जस्ट अभी मैं वीडियो देख के बैठा हूँ, इतना बढ़िया गाना, उससे भी ऊपर उसकी म्यूजिक वीडियो, तो ज़रूर सब लोग एक बार देखना। और मुझे पता चला है कि एक नए म्यूजिक चैनल पर डालने वाला है सब, और इसके और भी बहुत सारे प्लान्स हैं, तो इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एक चीज़ और कि जितने भी लोग मेरी टीम के लोग जिनका मैं इसमें नाम नहीं ले पाया, सारे यूट्यूबर्स जिन्होंने अभी क्लिप भेजी है, जिन्होंने सपोर्ट किया, और स्पेशली ऑडियंस जो उस फैन मीट पे आई, और अभी जो तुम लोग वीडियो देख रहे हो, तुम सभी को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि अगर तुम लोग नहीं होते तो शायद ये प्रोजेक्ट मेरा ड्रीम कभी कम्प्लीट नहीं हो पाता। ठीक है, ये सॉन्ग मेरे लिए लाइक गाने से ऊपर है, तुम्हें पता चल गया होगा अभी तक, तो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है म्यूजिक चैनल की, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि ये पहला गाना है एल्बम के अंदर, 6 गाने हैं, और मैं चाहता हूँ कि तुम इस गाने पे इतना प्यार दो कि मन करे मेरा कि जल्दी जल्दी मैं बाकी के 6 सॉन्ग भी निकाल दूँ। तो लास्ट टाइम मे बी लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ चेक करना। और हाँ, अपनी स्पॉटीफाई प्लेलिस्ट में इस गाने को जगह दें, ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मेरी किस्मत तू नहीं दो इन हाथों को चीर, मैं जॉर्डन हूँ तेरा और तू मेरी हीर, है तेरी कसम तो फिर जा रहा, पर तू बुलाएगी दौड़ा चलाऊंगा हीर।